Jesus, 6 days before the Passover, came to Bethany, where Lazarus was, which had been dead, whom he had raised from the dead. There they made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of them that sat at the table with him. यीशु मसीह यहाँ पे लिखा है अपनी मृत्यु से 6 दिन पहले, जिस दिन यीशु मसीह को यूनुस पे जाना था पसा के दिन, उस दिन से 6 दिन पहले यीशु मसीह बैतनी आता है। बैतनी एक गांव है जिसमें एक परिवार है जिससे यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। उस परिवार में 2 बहनें हैं और उनका एक भाई है। बहनों का नाम है मार्था और मरियम और भाई का नाम है लाजरस। लाजरस तो यहाँ पे लिखा है वो मर गया था और प्रभु यीशु मसीह ने उसे 4th day मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया। तो यीशु मसीह अपने क्रूस के दुखों को भोगने से पहले बैतनी जाता है और हम पढ़ते हैं इसी का जॉन 11:57 यूहन्ना 11 का अगर 57 पढ़ेंगे तो हमें कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में 12 अध्याय चल रहा है। यहाँ पे लिखा है 55 से पढ़ता हूँ मैं हिंदी पढ़ू पढ़िए हिंदी। यहूदियों का फसह पर निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने को शुद्ध करें। अतः वे यीशु को ढूंढने लगे और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या सोचते हो, क्या ये पर में नहीं आएगा? प्रधान याजकों और फरीसियों ने आदेश दे रखा था कि यदि कोई वह जाने कि वहां यीशु कहां है तो बताए ताकि वह उसे पकड़ सके। यीशु मसीह को पकड़ने का और क्रूस पे चढ़ा लेने का षड्यंत्र पहले ही बना दिया गया। हालेलुया। तो यहूदी धर्म के ठेकेदार फरीसी सदूकी पॉलिटिकल लीडर के साथ मिल चुके हैं, हेरोदेस राजा के साथ, ताकि यीशु मसीह को पकड़ा जाए और क्रूस पे चढ़ा दिया जाए। उससे 6 दिन पूर्व यीशु मसीह इस घर में जाता है। हालेलुया। और अक्सर यीशु मसीह इस घर में जाता है क्योंकि इस घर में जो लोग हैं वो यीशु मसीह से बहुत प्रीति करते हैं। हालेलुया। तो जब भी यीशु मसीह इस घर में जाता है, मैं चाहता हूं आप पढ़ें लूका रचित सुसमाचार में आइए। लूका उसका हम पढ़ें 10 chapter लूका के 10 अध्याय में। लूका के 10 अध्याय में और उसका हम पढ़ते हैं लूका 10:38 लूका 10:38। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। ये वही गांव है जिसका नाम नहीं लिखा लूका ने, बैतनी। यीशु मसीह यहाँ अक्सर आता है। जब पहले यीशु मसीह इस गांव में आया तो मार्था ने अपना घर खोला ताकि यीशु मसीह को अपने घर में उतारे और उसकी पहुनाई करे। यहाँ लिखा एंड शी हैड अ सिस्टर कॉल्ड मैरी, उसकी एक बहन है जिसका नाम है मरियम। विच ऑल्सो सैट एट जीसस फीट एंड शी हर्ड द वर्ड। तो इसकी जो बहन मरियम है, जब यीशु मसीह के घर में जाता है तो इसकी बहन मरियम यीशु मसीह जहाँ बैठते हैं ये उस यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाती है और यीशु मसीह के मुख से जो परमेश्वर के वचन निकलते हैं उन्हें सुनती है और ये सुदबुद्ध हो जाती है। लेकिन मार्था जो है उसके विषय में लिखा है 40 वचन में, बट मार्था वॉज कम्बर्ड अबाउट विद मच सर्विंग। मार्था किचन में जाती है और यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के संग 12 चेले आते हैं, 13 लोग हैं, 13 पुरुष, और उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाने के लिए, व्यंजन बनाने में किचन में व्यस्त हो जाती है और उसे अकेली को बहुत काम करना पड़ता है और अपनी शायद किचन की विंडो से ओवरलुक करके देखती है तो मरियम उसकी बहन यीशु मसीह के कदमों में बैठी होती है। तो वो यहाँ पे लिखा शी वॉज कम्बर्ड विद मच केयर। तो जो ग्रीक वर्ड है वो है परिस्पाव। परिस्पाव का मतलब है कि जब इंसान के इर्द गिर्द बहुत सारा वजन बंधा हो
और मनुष्य कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है। जब बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी फिक्रें, बहुत सारे संसारिक बोझ व्यक्ति के ऊपर पड़े हों, तो वो फोकस ना कर पा रहा कि मैं क्या करूं। एक चिंता इधर को खींचती है, एक चिंता, एक परेशानी। पर्स पाओ वही शब्द है जहां से अंग्रेजी का शब्द निकलता है, परस्पिरेशन। परस्पिरेशन का मतलब होता है पसीना। मतलब इस तरह आपने आपको व्याकुल किया उसकी बहन ने, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए व्यंजन बना के, कि वो मतलब उसकी अटेंशन जो चारों ओर डाइवर्ट हो रही है। शी वॉज कम्बर्ड अबाउट मच सर्विंग एंड केम टू हिम। और वो अपनी बहन को यीशु मसीह के चरणों में बैठा देखती है, तो उसे ऐसा लगता है कि मतलब मेरी बहन को मेरा हाथ बटाना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। तो वो यीशु मसीह के पास जाती है और क्या कहती है, लॉर्ड डोस्ट दाउ नॉट केयर दैट माई सिस्टर हैड लेफ्ट मी टू सर्व अलोन, बिड हर देयरफॉर दैट शी हेल्प मी। यीशु मसीह को जाके उलाहना देती है कि देखो प्रभु आपने ये काम क्यों किया, मेरी बहन इधर आपने बिठा रखी है, इसको बोलो कि आए और किचन में मेरी हेल्प करे, सहायता। तो प्रभु क्या कहते हैं उसे, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह बजाय इसके ये कहने के कि हे मार्था जा जाके अपनी बहन की सहायता कर, यीशु मसीह क्या कहते हैं, 41 वर्स पढ़ो। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ये नहीं कहते अरे मरियम जाओ जाके अपनी बहन की सहायता करो। यीशु मसीह मार्था को एड्रेस करके कहते हैं, मार्था तू कितनी व्याकुल है, कितनी चिंतातुर है, कितने बोझ तूने अपने जीवन में उठा लिए, कितनी फिक्रें हैं तेरे जीवन में। मनुष्य को जीवन में एक ही चीज चाहिए और वो उत्तम भाग तेरी बहन ने चुन लिया। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारी और है, परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर को हमारा जीवन भाता है, तो हमारे जीवन के सभी काम परमेश्वर अपने हाथों में लेगा और हमें हर क्षेत्र में सफल करेगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर को इग्नोर करके दुनिया के कामों को पता करने की कोशिश करेंगे तो हमारे हाथ बहुत बड़ी निराशा लगेगी और फिक्रों से, चिंता से, घबराहट से भरा जीवन होगा। तरस पाओ, पसीना ऐसे गिरेगा। को मालूम पसीना जो है ये कर्स है। प्रभु ने आदम से कहा, जब आदम ने प्रभु की आज्ञा को तोड़ा, प्रभु ने कहा अब तू अपने पसीने की रोटी भूमि को सींचेगा अपने पसीने से और भूमि की रोटी। कई बार लोग बड़े घमंड से कहते हैं जी ऐसी तो खून पसीने की रोटी खाने हैं, कहते हैं ना, तो ये कोई बड़े अहंकार की बात नहीं, ये श्राप का चिन्ह है, समझ गया। तो प्रभु कहता है कि जो मेरी शरण में लगेंगे उनको दे डोंट हैव टू परस पाओ, दे डोंट हैव टू रन इन एवरी डायरेक्शन, दे डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड। अपने घर को चलाने के लिए, अपने परिवार का संचालन करने के लिए, अपनी जॉब, अपनी बिजनेस, अपने कामों का संचालन करने आपको यीशु मसीह की उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। मनुष्य के जीवन की फाउंडेशन, लाइफ लाइन है यीशु मसीह की प्रेजेंस। यीशु मसीह मार्था मरियम से नहीं कहते मरियम जाइए जाके काम कीजिए, यीशु मसीह बल्कि उसकी बहन को कहते हैं मार्था मार्था। जब भी यीशु मसीह दो बार बोलते हैं ना कोई चीज, उसका मतलब होता है यीशु मसीह चाहते हैं कि बड़ा ध्यान से सुने, गिव फुल अटेंशन। क्या कहते हैं, यू आर केयरफुल एंड ट्रबल्ड अबाउट मेनी थिंग्स। तो दुनिया की बहुत सी चीजों के लिए क्या कर रही है, ये मनुष्य का हाल है, दुनिया की बहुत सी चीजों की फिक्रों में परस्पाव कर रहा है। पर चाहिए क्या है, यीशु मसीह कहते हैं ये जो चीज तेरी बहन मरियम ने चुनी है इसे कोई भी छीन नहीं सकता, ये है मेरी उपस्थिति और ये कभी भी उससे छीनी नहीं जाएगी। हालेलुया। अब मैं चाहता हूं आप वापिस आए योना रुचि सुसमाचार में, योना रुचि सुसमाचार के 12 अध्याय, योना रुचि सुसमाचार 12 अध्याय और उसका दूसरा, ये सेकंड अकाउंट है जो मैंने अभी आपको बताया, दैट्स अनदर अकाउंट। पहले भी यीशु मसीह गया, अब बिल्कुल 6 दिन पहले यीशु मसीह उनके घर में जा रहा और पढ़े क्या होता है,
पढ़िएगा। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। मार्था क्या कर रही थी? सेवा कर रही थी। मार्था का गिफ्ट है सेवा, वो क्या कर रही है? सेवा, सेवा कर रही है। और आगे पढ़े, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। और लाजर प्रभु यीशु मसीह के संग मेज पे क्या करने के लिए बैठा है? भोजन करने के लिए बैठा है। और आगे बढ़िए। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर, तब मरियम ने क्या किया? मरियम बहुत कीमती इत्र लेकर आई, बहुत कीमती। मैरी देन शी टुक, देन मैरी टुक ए पाउंड ऑफ ऑइंटमेंट, मतलब वो इत्र जो है बहुत कीमती है, और मरियम छोटी सी क्वांटिटी में नहीं लाई, एक पाउंड लेकर आई। बहुत एक्सपेंसिव स्पाइक नार्ड है ये, वेरी कॉस्टली, बहुत एक्सपेंसिव है। और उसने क्या किया? और उसने बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। हालेलुया। थोड़ा सा इत्र नहीं, ये बड़ा एक्सपेंसिव था, शायद काफी समय सेविंग करके मरियम ने इसे खरीदा और उसने शायद इस दिन के लिए प्रिजर्व करके रखा था। हालेलुया। और उसने तो मरियम ने शायद मे बी हर लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट उसने यीशु मसीह के चरणों के ऊपर उन्हें दी। तो हम यहाँ पे देखेंगे तीन अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, तीन अलग अलग आत्माएं हैं। पहली आत्मा है मार्था की। मार्था की आत्मा है कि उसे बहुत ज़्यादा चिंता है, फिक्र है, और वो बहुत यत्न लगाती है यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन कौन से मीन्स यूज करती है? संसारिक। कलीसिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा कार्नल होके यीशु मसीह को पुश करना चाहता है, शारीरिक रीति से, जैसे अभी करेंगे, वो घर के ऊपर तारा टांगेंगे, घर के अंदर क्रिसमस ट्री लगाएंगे, लाइटें लगाएंगे, बहुत सारी चीजें लगाएंगे, वो सोचते शायद इनसे प्रभु प्रसन्न होगा। प्रभु को ये चाहिए नहीं, ये सब बनावटी अडंबर हैं, ये प्रभु के वचन में लिखे भी नहीं है। क्रिसमस 25 दिसंबर वो दिन भी नहीं है जब यीशु मसीह पैदा हुआ, बल्कि ये दिन तो असल में और किसी की पूजा का दिन है, रोमन फेस्टिवल। हाँ जी, रोमन फेस्टिवल है, रोमन से भी पहले का फेस्टिवल है, सैटर्नेलिया। इस दिन सैटर्न की पूजा की जाती थी, उससे पहले सुमेर के लोग सूर्य की पूजा करते थे, सन गॉड की। उससे पहले 11th चैप्टर जेनेसिस में ये निम्रोद, सेमरामिस और तमूज की पूजा का दिन है। तो इसकी रूट्स शैतानी है। इसे 325 एडी में कॉन्स्टेंटाइन जो राजा था, गवर्नर का बेटा रोमन, वो इसको लेकर आया क्रिश्चियनिटी में। पहले कोई नहीं मनाता था इसे। आपको मालूम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 18th सेंचुरी में इसे बैन कर दिया गया था, क्रिसमस को। जो सच्चे प्रभु के भक्त थे वो नहीं इसे मनाते थे, क्योंकि उनको इसकी रूट का पता था। तो शरीर रीति से आप कभी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु को शरीर का फल चाहिए ही नहीं। हालेलुया। आपको मालूम प्रभु क्या कहते हैं इब्राहिम से? प्रभु इब्राहिम से कहते हैं, इब्राहिम टेक योर ओनली सन ऑन द माउंट मोरिया एंड सैक्रिफाइस हिम। अब इब्राहिम का एक और बेटा है जो इसहाक से 12 साल बड़ा है, जिसका नाम है इश्माएल, लेकिन प्रभु उसे बेटा नहीं मानते। इब्राहिम का किसे बेटा मानते हैं? इसहाक को। क्यों इश्माएल को बेटा नहीं मानते अपना? क्योंकि इश्माएल इज द सीड ऑफ द फ्लैश, वो आत्मा की संतान नहीं है बल्कि शरीर की संतान। तो मार्था शरीर में प्रभु को प्रसन्न करती, और मरियम जो है वो प्रभु की उपस्थिति की खोजी है। हालेलुया। जहां प्रभु जाता है वहां वो जाती है, उसको प्रभु से, वो प्रभु से कुछ मांग नहीं रही संसारिक चीजें, बल्कि वो ये सोच रही है मैं प्रभु के लिए कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसी ऐसी खूबसूरत गिफ्ट प्रभु को दूं जिसकी खुशबू से घर भर जाए। हालेलुया। तो वो प्रभु के चरणों में ये 12 ounces 340 grams का
तो इसके लिए जो ग्रीक वर्ड है नार्डोस, लैटिन वर्ड है लीब्रा, बहुत ही कीमती किस्म का परफ्यूम है स्पाइक नार्ड, जो एक प्लांट के एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है जिसे वेलेरियाना कहते हैं, और इसे बहुत कीमती किस्म की फ्रेग्रेंस पैदा होती है। तो मरियम है एक और आत्मा जो ग्रेटिट्यूड से भरी है, जिसका दिल प्रभु के लिए स्तुति आराधना से भरा है, और उसके दिल की ख्वाहिश है कि यीशु मसीह को मैं कुछ प्रेजेंट करूं। हालेलुया। मार्था यीशु मसीह को खुश करना चाहती है, लेकिन उसके मींस है फिजिकल कार्नल ढंग से। तो यहां पे लिखा एक और कैरेक्टर है, यहां पे पढ़िएगा इसके विषय में। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम का एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। यीशु मसीह के संग रहने वाला एक चेला है जो लगभग 3.5 साल उसके संग रहा है, जिसको यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, जिसने यीशु मसीह के बड़े बड़े काम देखे हैं, जिसे यीशु मसीह ने चुना है, अभिषेक किया है, वो चेले के दिल में देखिए प्रभु के लिए क्या है। एक साधारण स्त्री अपने जीवन की लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट यीशु मसीह को एक इतना डीप जेस्चर दिखाना चाहती है, उसके कहां उड़ेल देती है, सर पे भी नहीं उड़ेगा, जबकि सर को अनॉइंट किया जाता है। मरियम ने सोचा कि इस इत्र की कोई औकात नहीं है कि प्रभु के सर पे उड़ेला जाए, कहां उड़ेलती है और फिर क्या करती है, अपने बाल खोलती है। बाइबल में लिखा है कि स्त्री के बाल उसकी शोभा है, ग्लोरी है। वो अपनी ग्लोरी को किसके पांव में रख देती है, यीशु मसीह के पांव में रख देती है। हालेलुया। क्योंकि उसने यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठ के यीशु मसीह को देखा है कि वो कौन है। वो ब्रह्मांड का रचिता है, सृष्टि का स्वामी है, जो मानव की देह में इस तरह के शरीर में पृथ्वी के ऊपर आया है। वो भेद जानती है, ये रहस्य समझती है कि ये देहधारी परमेश्वर है। ये वो है जिसने आकाश को तंबू की तरह ताना है, और खरबों गुना खरबों गुना खरबों तारे ऐसे, जैसे हिब्रू में एक सेंस है कि जैसे उसने नूर में अपनी उंगलियां डुबोई और ऐसे छिड़की तारे बना दिए। अंबर को एक स्क्रोल की तरह लपेट देता है, वो समुद्रों के पानी को ऐसे उठा लेता है। जब वो क्रोध में आता है तो पहाड़ पिघल के लावा हो जाते हैं। वो पवन को पंख बना के उड़ता है, जिसके आदेश से बाइबल में लिखा है सूर्य अपने मंडप के एक छोर से निकलता है और दूल्हा की मानिंद अपनी यात्रा को पूरी करता है, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने मुंह के शब्द के द्वारा थाम के रखता है। ऐसा महाप्रतापी परमेश्वर मानवीय देह में है, और मरियम को ये रहस्य पता है। लेकिन मार्था क्या करती है, पछताव करती है। बहुत सारे मसीह लोग हैं जो पसीना अपना गिरा रहे हैं, उनको मालूम नहीं है प्रभु की उपस्थिति का। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े आनंद का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि वो अपना जीवन यीशु मसीह के चरणों में बिताते हैं। वहां से उन्हें ऊर्जा मिलती है अपने जॉब को चलाने की, अपने बिजनेस को चलाने की, अपनी फैमिली को सही ढंग से मार्गदर्शन करने की। ऊर्जा कहाँ से मिलती है, यीशु मसीह के चरणों से। और इस वचन की सच्ची शिक्षा चाहिए आपको, ये वचन की सच्ची शिक्षा, ये वचन की सच्ची शिक्षा। जिस तरह ये रोशनी जल रही है ना, इस तरह ये रोशनी है जो हमें पथ प्रदर्शित करती है अंधकार की दुनिया में। हालेलुया। ये प्रभु के संग जो रहा चेला, ये तीसरी आत्मा है। पहली आत्मा फिक्रमंदगी की है, फिक्रों से जकड़ी रूह है। दूसरी आत्मा है धन्यवाद से भरी हुई, स्तुति से भरी हुई, जो खिल जाती है प्रभु को देख के, और जिसने लंबे समय तक कुछ इकट्ठा किया है ताकि प्रभु के चरणों में उड़ेला जाए। ये एक आत्मा है तीसरी, ये प्रभु के संग रहा है, लेकिन इसके दिल में प्रभु के लिए कितना बड़ा डिसरिगार्ड है। क्या कहता है, अरे ये परफ्यूम बेच के पैसा कंगालों को दिया जा सकता था। प्रभु की इंसल्ट कर रहा है एक तरह से। ये औरत जिसका पैसा है, जिसने अपनी सेविंग से इसे खरीदा है, वो बहुत उत्साह से भरी है कि प्रभु के चरणों में उड़ेल लूं, और अपने बालों से उसे पोंछ रही है। लेकिन उसके संग रहने वाला चेला जो है, उसकी आत्मा देखती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चोर है, वो चोरी करता है। क्या करता है,
चोरी करता है और अनग्रेटफुल स्पिरिट है उसके अंदर, डिसरिगार्ड है प्रभु के लिए, कहता है कि ये बेच दिया जाता और कंगालों को दिया जाता। प्रभु क्या कहते हैं, देन सेड जीसस लेट हर अलोन अगेंस्ट द डे ऑफ माय बेरिंग शी हैथ केप्ट दिस, मेरे दफनाने के दिन के लिए इसने ये काम किया है, फॉर द पुअर ऑलवेज ही हैव विद यू बट मी ही हैव नॉट ऑलवेज, गरीब तो तुम्हारे संग हमेशा है, तुम उनके संग परोपकार करना, लेकिन मैं तो जा रहा हूं। इसने मेरे दफनाने के लिए, आपको मालूम यहूदी लोग जब कोई मरता है उसकी देह को लेप लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, लेप लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, फिर उसकी बॉडी को रैप करके रखते हैं कब्र में, फिर उसकी बॉडी को एक साल के बाद कब्र से निकाला जाता है, फिर वो बोन्स रह जाती है, वो सेंटर्ड बोन्स होती है, गंदी बोन्स, बो देने वाली बोन्स नहीं होती, जो ऑइंटमेंट लगाई जाती है उससे बॉडी साल भर सुगंधित रहती है, फिर उसकी बोन्स को कलेक्ट करके एक बॉक्स में रखते हैं, वो ओरिजिनल बैरियल होता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि एक जवान आता है यीशु मसीह के पास और वो कहता है प्रभु मैं तेरे पीछे आऊंगा, पहले मुझे अपने बाप को जाके दफन। हाँ। तो उसका बाप उस समय ही मरा था, उसका बाप एक साल पहले मरा था, अब उसके बाप की बोन्स को गैदर करके बॉक्स में रखना था। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मुर्दों को मुर्दे तू मेरे पीछे बोले, हालेलुया। तो देखिए प्रभु क्या कहते हैं, इसका तीसरा वचन पढ़िएगा, इसका तीसरा बारह। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य तेल लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। इत्र की सुगंध से घर क्या हो गया, क्योंकि वो बहुत कीमती फ्रेग्रेंस है, उसकी विंडो में से इत्र की सुगंध निकल के पूरे मोहल्ले में फैल गई, पूरी लोकैलिटी, पूरे विलेज के अंदर फैल गई। उसने यीशु मसीह को सोक कर दिया एनॉइंटिंग में, उस फ्रेग्रेंस में। यीशु मसीह को आपको मालूम आनंद फानन में उन लोगों ने दफन किया, लेकिन उसको उन्होंने इत्र नहीं लगाया। इसलिए बाइबल में लिखा है जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा उस दिन कुछ औरतें कब्र पे इत्र लेके गई थी ताकि यीशु मसीह की देह को इत्र लगा सके, लेकिन मरियम नाम की इस प्रभु की दासी को पहले ही पता था, उसने जीवते ही यीशु मसीह की देह को क्या किया, इत्र लगा दिया। उसके इत्र से पूरा मोहल्ला भर गया, पूरा घर भर गया, यीशु मसीह की बॉडी ने सोक कर लिया वो इत्र। आपको मालूम उसे कब्र में रखा गया और बड़ी सुबह वो औरतें कब्र पे गई, कब्र का पत्थर उठा हुआ था और यीशु मसीह जी उठा था, लेकिन कब्र के अंदर दो स्वर्गदूत थे और स्त्रियों ने कब्र के पास जाके देखा कि प्रभु वहां नहीं है, लेकिन खुली कब्र में से उन स्त्रियों को अभी भी उस ऑइंटमेंट की, उस फ्रेग्रेंस की, उस इत्र की सुगंध आ रही थी जो इस स्त्री ने यीशु मसीह को लगा, पूरी कब्र के अंदर भी वो इत्र का माहौल था। हालेलुया। कुछ ऐसे प्रभु के लोग हैं जिनके जीवन से फ्रेग्रेंस है, हालेलुया, वो अपने आप इर्द गिर्द के माहौल को भी फ्रेग्रेंस से भर देते हैं, खुशबू से भर देते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनसे फ्रेग्रेंस आती है लेकिन किस चीज की, पसीने की आती है। कुछ ऐसे हैं जो अनग्रेटफुल है, जिनके अंदर चोर है, जो अपने ही स्वामी को चुम्बन दे के बेच देते हैं, ये मुद्दा इसके नीति जैसा। हालेलुया। लेकिन इस स्त्री ने एक इतना अद्भुत काम किया, प्रभु यीशु मसीह ने आपको मालूम क्या कहा योना 12 अध्याय में, उसने कहा इसने मेरे बैरियल के लिए काम किया, जीवते जी उसको इत्र लगा दिया उसने। हालेलुया। और प्रभु कहते हैं इसने मेरे दफन के दिन के लिए ये काम किया, जहां कहीं ये सुसमाचार सुनाया जाएगा जो इस स्त्री ने मेरे लिए किया उसका प्रचार कलाम आज पूरा हुआ आपके यहाँ पे, जो उसने किया ऐसे 2000 साल पूर्व इसराइल के अंदर एक साधारण सी औरत ने जिसका नाम मरियम है, वो कहीं लाइन लाइट में नहीं आई, वो बहुत बड़ी प्रचारक नहीं थी, बड़े चेनों के अंदर उसकी गिनती नहीं थी, वो कभी फोकस नहीं उसके ऊपर आया, साधारण थी वो, लेकिन उसने जो काम किया प्रभु के लिए वो असाधारण था। क्यों? उसके अंदर से फ्रेग्रेंस निकली, उसका जीवन प्रभु के लिए एक इत्र के समान था। हालेलुया। तो इत्र के समान हमारा जीवन यीशु मसीह कर सकते हैं। ये जो संसार है कांटों भरी पथ है, दुखों का मार्ग है, इसमें बहुत
उतार चढ़ाव और जीवन में चुनौतियां, तो जीवन की चुनौतियां, उतार चढ़ाव, दुख और कष्ट कई बार हमें हमारे जीवन को कटुता से भरते हैं, शक से भरते हैं, संदेह से भरते हैं, कई बार हमें प्रभु से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि हम यीशु मसीह पे अपनी आंख लगा के रखेंगे, यीशु मसीह की उपस्थिति के खोजी होंगे, तो हमारा जीवन उस इत्र से भरा रहेगा और हम भी प्रभु के लिए वो काम करेंगे जो मेमोरियल हो जाएंगे। प्रभु ने कहा वचन में, जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इस स्त्री ने मेरे लिए जो किया, हालेलुया, हालेलुया, वो पूरे जगत में सुनाया जाएगा। तो हम जब प्रभु के संग रहेंगे तो प्रभु की सुगंधी, प्रभु की फ्रेग्रेंस, प्रभु का इत्र हमारे जीवन को भरेगा। हालेलुया। आपको मालूम है मरियम और मार्था में कितना बड़ा भेद है? बहुत भेद है। 11 अध्याय आप पढ़िएगा। स्वयं जब लाजर की मृत्यु हो जाती है, यीशु मसीह जानबूझ के कितने दिन डिले करते हैं? 4 days, क्योंकि ज्यूइश लोग ये मानते थे कि 3 दिन तक अभी अगर कोई मर जाए तो उसकी आत्मा घूमती रहती है घर के इर्द गिर्द। तो यीशु मसीह ने सोचा कि आई विल मेक इट एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, जब बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा लाजर का जिंदा होना। तो जब यीशु मसीह आ रहा है तो यीशु मसीह को मिलने के लिए मार्था भागी जाती है, क्योंकि मार्था हमेशा कौन है? परस्पाव। वो हमेशा मूवर एंड शेकर बनना चाहती है। बहुत से लोग हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, प्रभु के हाथ में नहीं छोड़ते। आपको प्रभु के हाथ में चीजों को छोड़ना सीखना पड़ेगा, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने जीवन के हर पहलू को। डोंट ट्राई टू बी गॉड। बहुत सारे लोग खुद परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी असूम कर लेते हैं, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, तो वो अपने जीवन में ये हाल होता है मार्था वाला उनका। परस्पाव, प्रभु के हाथों में सरेंडर करना भी हमें सीखना चाहिए। हालेलुया। कब हम प्रभु के हाथ में सौंपते हैं? जब हमें विश्वास होता है कि प्रभु भला है, प्रभु करना नहीं है, प्रभु दयालु है, प्रभु मेरे लिए भला करेगा। उसके उसके संग रिलेशनशिप है। जितना आपका प्रभु के संग रिश्ता होगा उतना बड़ा आपका सरेंडर होगा। जब आपका प्रभु के संग रिश्ता नहीं है, आप कभी कुछ भी सरेंडर नहीं करेंगे। आप हर चीज अपने कंधे को उठा के घूमेंगे, हर चीज को खुद करने की कोशिश करेंगे। तो मरियम मार्था भागी जाती है, हालांकि प्रभु ने बुलाया है उसे, और प्रभु के आगे खड़ी हो जाती है। योना रचि सुसमाचार 11 अध्याय में लिखा है, और प्रभु को जैसे उलाहना देती है, इफ यू वर हियर माय ब्रदर वुडंट हैव डाइड, अगर तू यहाँ पे होता तो मेरा भाई ना मरता। तो यीशु मसीह से कहते हैं, मार्था तेरा भाई जी उठेगा। तो वो यीशु मसीह को अपना बाइबल का ज्ञान बताती है, बोलती है आई नो माई ब्रदर विल राइज अप ऑन दैट डे, कि जब पुनरुत्थान होगा उस दिन मेरा भाई जी उठेगा। वो प्रभु को बता रही है मुझे बाइबल आती है। और कौन है प्रभु? प्रभु ये पूरी बाइबल का देहधारीकरण है, ये उसके आगे खड़ा है। उसे कहती आई नो। तो ये कई बार लोगों का ना ये आई नो एटीट्यूड होता है, बड़ा डेंजरस होता है। आई नो ये एटीट्यूड ही घमंड है, और प्रभु उसके लिए कुछ नहीं करते। वो वापिस लौटती खाली हाथ, फिर जाके अपनी बहन को कहती है मरियम को कि प्रभु तुझे बुला रहा है। फिर पढ़िएगा आज आप 11 अध्याय योना रचि सुसमाचार। फिर मरियम जाती है और दूर प्रभु आ रहे हैं। जब मरियम प्रभु के पास पहुंचती है तो भूमि पे लेट जाती है प्रभु के चरणों में, जिसे साष्टांग दंडवत कहते हैं। चरणों में क्या करती है? मार्था क्या कर रही थी? ऐसे खड़ी होके यीशु मसीह के संग थियोलॉजिकल डिस्कोर्स कर रही थी, ज्ञान गोष्ठी कर रही थी। लेकिन मरियम क्या करती है? प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत करती है। हालेलुया। और प्रभु यीशु वचन में लिखा यूहन्ना 11:35 में ब्यूटीफुल वर्स है, वहां पे लिखा है एंड जीसस वेप्ट, यीशु रोया। लिखा है ना वहां पे, ऐसा है हमारा परमेश्वर जो हमारे संग रोता है। ये नहीं कि वो करने की ताकत नहीं रखता, ये नहीं कि उसकी सामर्थ्य में कोई कमी है, ये नहीं कि वो आपकी परिस्थितियां बदल नहीं सकता। कई बार वो हमें उन कष्टों में से निकालता है, क्योंकि कोई एक ऐसा लेसन है, कोई एक ऐसा टूटेपन का, बिखराव का, कोई ऐसा संदेश है जो वो हमें सिखाना चाहता है हमारी पीड़ा में। हालेलुया। लेकिन उसमें वो प्रभु क्या करता है?
हमारे संग संग रहता है। तो वो रोया और प्रभु क्या कहता है मरियम से, बताओ। उन्होंने लाजर को कहा, सीधा यीशु मसीह वहां से कहां जाता है, लाजर की कब्र पे जाता है और लाजर को मुर्दों में से जिंदा करता है। मार्था जब गई प्रभु ने कोई काम नहीं किया, लेकिन जब मरियम गई तो यीशु मसीह उसी समय सीधा चला गया और उसने लाजर को मुर्दों में से जिंदा कर दिया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें सर। हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु।